बसम्दिल्र रबीन व قيام يوم الدين अभी कुछ अरसे पहले अशरफ जलानी ने हज़रत फ़ातिमा सलामाम के बारे में कहा कर वो ख़त पर थी और फिर हमने उसका एक जवाब दिया और उस जवाब में हमने कहा कि वो रिवायत के जिसको बेस बनाकर जनाब अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा सलामाम पर जुल्म किया और उनको उनके हक़ से महरूम किया तो उस पर आ, कुछ लोगों के सवालत आए तो उसका तो हम जवाब देंगे लेकिन उसी एक जवाब की कड़ी यह है कि देखना यह है कि अगर ये रसूल अल्लाह थे और जनाब अबू बकर को बचाने के लिए कहा जाए कि ये सदक़ थे तो अब हम सवाल करेंगे कि अगर ये सदक़ थे तो फिर जनाब उस्मान ने फिदक के साथ क्या किया बस आज हमारी गुफ्तु कानवान यह है कि जनाब उस्मान ने फिदक के साथ अपने ज़माने में क्या किया अलबत्त फिदक के अलावा जो और जायदादें थीं हज़रत फातमा सलाम की उनके साथ क्या हुआ वो एक बिल्कुल अलग मौजू है लेकिन जो कुछ हुआ उन सब के साथ वही सब कुछ हुआ फिदक के साथ फिदक क्योंकि एक बहुत ही मशहूर तारीख़ का मौजू है इसे हम फ़त आज डिस्कस करते हैं कि जनाब स्स्मान ने फिद के साथ क्या किया अब इससे पहले कि हम ये बयान करें कि फिदक के साथ क्या किया तो खुलासा तो ये बताएं कि फिदक दे दिया उन्होंने अपने चचाजात भाई को मरवान बिन हकम को अब ये मरवान बिन हकम कौन है तो इससे पहले के मरवान बिन हकम की बात हो तो हम बताते चलें कि ये बेटा है हकम बिन आस का यानी जनाब उस्मान के सगे चचा का इसको रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने और मरवान को मदीने से निकाल दिया था और ना अबू बकर की हिम्मत हुई कि इसको दोबारा बुला सकें और ना ही जनाब उमर की हिम्मत हुई कि इसको दोबारा बुला सकें लेकिन जनाब उस्मान ने इसको दोबारा बुलाया और न फ़क्त ये कि बुलाया बल्कि बहुत ज़्यादा माल अता किया और बहुत ज़्यादा पावर दी जबकि रवायात में कसरत से ज़िक्र हुआ है इन इस पूरे ख़ानदान के मलून होने का लहजा आपके सामने हवाला है फ़त्बारी शरह सही बुखारी का कि जो इबन हजर असकलानी की है और जिल्द नंबर तेरह और यहाँ पर हाई आपके सामने किया हुआ है क़द वारदत अदीसो फ़ीला हकम और अहादीस वारद हुई हैं हकम पर लानत के बारे में ये हकम कौन है वद मरवान ये हकम है मरवान का बाप और किस पर लानत आई है वमा वलद और जो भी इस हकम से पैदा हो उस पर लानत भेजी है रसूल अल्लाह वसल्लम ने और मुमकिन है कि एक वजह यह हो कि आप इस फितने से उम्मत को बचाना चाहते थे कि यही लोग कल इस्लाम पर हुकूमत करेंगे और अपने आप को खलीफतलमसलम कह के इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे लिहाजा आपने पहले ही इन पर लानत भेजी लेकिन कमाल की बात यह है कि इनको मदीने में जनाब स्स्मान ने बुलाया और इन्हीं मलऊनों को वो चीज़ दी कि जिस चीज़ से जनाब अबू बकर ने हज़रत फातम सलाम को महरूम कर दिया था यानी फिदक दे दिया इस हबीस के हाथ में अब यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर ये सदकते रसूल सल्लाम थे और वह बताते चलें कि इन अमवाल को रसूल सल्ला वसलम अलबतः फिदक को नहीं फिदक जनाब फ़ातिमा सलाम्ह को जिंदगी में दे, 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 दे।, दे दिया था बाकी जो अमवाल थे वो भी रसूल सल्ला वसलम के अपने थे अब ये और बात है कि वो माल वो सदक़े में देते थे वो सदके में देते थे ये अलग मौजू है लेकिन उनके बाद ये अम्वाल उनकी दख्तर के हाथ में जाना चाहिए थे और फिर वो बाद में वही काम करती कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे यानी सदक़े में दे देती लेकिन वो माल उनको नहीं दिया गया बाद में जनाब उस्मान ने ये माल इस मलऊ शख्स को यानी मरवान को दे दिया तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि जनाब अबू बकर ने अगर सही किया तो इन्होंने क्या किया और अगर इन्होंने सही किया तो उन्होंने क्या किया मानना पड़ेगा कि इनमें से एक तो गलत कर ही रहे थे क्योंकि इन्होंने तो उस मलूम को दे दिया अब यह भी जहन में रहे कि उन्होंने फकत एक ही चीज नहीं दी बल्कि मरवान को बहुत कुछ दिया उसकी तफसील बाद में आएगी फिदक उनमें से एक चीज थी मरवान का भाई था जिसका नाम था हारिस बिन हकम और मदीने की जो मार्केटें थीं और उनमें भी एक बड़ी बड़ा हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसम का था उनमें सदक़त थे वो जनाब उस्मान ने अपने चचा ज़ाद भाई हारिस अपने हकम को दे दिया अब ये इबारत है अल अलमाफ की इसे इनशा कभी अगर मौजू मौक़ा मिला तो इस मौजू को भी डिस्कस करेंगे और आम तौर पर मुसलमान जितने भी हैं चाहे शिया हों चाहे सुन्नी हों इस मौजू से इतने आशना नहीं हैं कि जनाब सैद सलाम की जायदाद में से एक जायदाद थी उसका नाम था महजूर और ये ऐसा कहा जा सकता है कि मदीने की मार्केटें या मंडियाँ थीं लिहाजा तारीख़ में नक़ल हुआ तसद रसोल वसम बे महजूर मौजूक़ल मदीना अलमुसलम कि रसूल वसम ने ये जो जगह थी कि जहाँ पर मार्केटें थी इनको सदक़े के तौर पर दे दिया था यानी सदक़े में इस्तेमाल करते थे यानी इसको भी दे दिया बख्श दिया उस्मान ने किसको बख्श दिया अ हारबन हकम हारिस हारबन हकम को दे दिया ये कौन है हारिस अबन हकम अरवान अबन हकम मरवान इबन हकम के भाई को ये पूरी मार्केटें कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत थी और इसको सदक़े के तौर पे आप इस्तेमाल करते थे वो मरवान के भाई हारिस को दे दी व अक्ता मरवान फ़द और उन्होंने फिदक दे दिया मरवान को तो यहाँ तो हम बताते चलें कि फिदक उन्होंने मरवान को दिया और महजूर जो है वो उसके भाई हारिस को दे दिया दूसरा हवाला है सुन अबू दाऊद का और सफ़ा नंबर है 402 और हमने हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पर यह मौजू डिस्कस हुआ सता मरवानो अब इसका तर्जुमा किया है फिर ये ज़मीन मरवान ने अपने लिए खास कर ली अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मरवान ने अपने लिए खास कर ली ये जुमला कहा जा रहा है दरीकत जनाब स्मान को बचाने के लिए जबकि हकीकत क्या है कि ये ज़मीन जनाब स्स्मान ने मरवान को दे दी क्योंकि बाकी रिवायत में बहुत ही सराहत के साथ बयान हुआ है कि ये ज़मीन किस तरह से मरवान के पास गई लेकिन सुन दाऊद में ये कोशिश की गई कि मरवान के पास फ़दक पहुँच फदक पहुँच गया लेकिन कैसे पहुँच गया तो कहा कि मरवान ने ख़ास कर ली अब ये जहन में रखे कि मरवान जो कुछ काम कर रहा था वो दर उन्हीं की इजाज़त से और उन्हीं के मशवरे से कर रहा था और जनाब उस्मान ही ने मरवान को बहुत सारी जायदादें दी और उन्हीं में से एक था फ़दक और ये जो उनका लक़ब है गनी इसमें भी एक बहुत बड़ा दखल है उमैया का क्योंकि उन्होंने उमैया को बहुत ज़्यादा नवाज़ा इसी रिवायत का जो तर्जुमा है इंग्लिश का तो वहाँ पर भी ये रिवायत नंबर है टू नाइन सेवन टू और वहाँ पर सफ़ा नंबर चार जल नंबर तीन में सुम्मा अकता मरवान और इसका तर्जुमा किया है दैन इट वॉज़ टेकन बाय मरवान जबकि हकीकत क्या है गिवन बाय उस्मान टेकन बाय मरवान तो यहाँ पर भी ये बात वाज हो गई कि ये मरवान के पास चला गया था लेकिन कैसे गया तो यहाँ पर सुन दाऊद में कोशिश की जा रही है कि छुपाया जाए कि ये कैसे चला गया है लेकिन बाद में इस चीज को क्लियर कर दिया गया अब आपके सामने है सुना दाऊद के जो अरबी में है उस और जिल तीन और सफा टू थ्री और नंबर नंबर सफा हमने हाईलाइट किया हुआ है अगर आप देखें सुमा अकता मरवानो के बाद में ये जमीन किसको यानी फ़दक को ले लिया किसने मरवान <coughs> तो यहां से भी पता चला और नीचे हाशिए में लिख दिया इन नमा मरवानो फी अया हयात उस्मान उस्मानबन अफान के ये जो मरवान ने लिया किस जमाने में लिया उस्मान अब्न अफान के जमाने में लिया अब आगे चलते हैं ओन माबूद शरह सुन अबी दाऊद तो वहां पर तो सिर्फ कोशिश की गई कि जनाब उस्मान को बचाया जाए और ये कह दिया जाए कि जी मरवान ने ले लिया लेकिन यहां पर इसी रिवायत को डिस्कस किया है और यह जिल्द नंबर सात है और सफा नंबर 134। अब यहां पर मौजू आया हाईलाइट किया अगर आप देखें, सुम्मा अकता मरवानो अब इसकी वो तशरी कर रहे हैं कि यहां पे क्या मुराद मुरादी जमन उस्मान रज हो अब यहाँ पे क्या माना है वलमा جعلها लिनफ़ से ही व ही के इस ज़मीन को मखसूस कर लिया मरवान ने अपने लिए और अपने बाकी ख़ानदान वालों के लिए क़तिया क्या होता है तो फरमाते वलक़ती ए तोफ़तो मिन और हराज यहा सुल्तान मई يريد क़त या ज़मीन है कि जिससे खराज हासिल होता है और सुल्तान जिसे चाहता है दे देता है तो यहाँ पर इशारा है उनका सुल्तान से जनाब उस्मान की जानब के जिसे उन्होंने चाहा मुनासिब समझा दे दिया तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आगे बढ़कर उन्होंने इकरार किया कि जनाब उस्मान के ज़माने में ये ज़मीन कि जिसको हज़रत फातिमा से महरूम जिससे जिसे जिससे हजरत फातमा को महरूम रखा गया लेकिन मरवान जैसे मलऊन को ये ज़मीन दे दी गई फतहुलबारी बेशर है सहील बुखारी इबन हजर असकलानी की जल्द नंबर सात में ये मौजू हाई हमने कर दिया माना स्स्मान तसरफा फ़ी फदक बेहसब मराहू कि जब स्स्मान ने तसरफ किया फदक में जैसा कि उन्होंने चाहा तो अब नीचे क्या बयान हुआ सक़ता मरवान यानी फ़ी अम स्स्मान फिर इस फदक को ले लिया मरवान ने यानि कब स्स्मान के ज़माने में अल खताबी इम अस्मानो फ़द का मरवान ख़ाबी जो एक जरूल़दर आल महर सुन्नत हैं वो कहते हैं कि हकीक़त यह है किस्मान ने फ़दक दे दिया मरवान को ले तवला क्योंकि उन्होंने यहाँ पर तावील की अपनी एक नज़र दी और क्या वो चीजें खलीफा की हैं अब यहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है पूछा जाए नबी के लिए मखसूस है तो उसको दे दी जाए कि जिस पर नबी ने लानत भेजी है और उनकी बेटी को महरूम कर दिया जाए अब क्या किया फ़स्तास्मानब अमवाली फवाब हाबराब ही कि जनाब स्स्मान ने इसके ज़रिए से अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी की और उनको ये माल दे दिया और क्या क्या जनाब स्स्मान ने मरवान को दिया तो तारीख़ अबुलफा में इस चीज़ की जानब तोज्जो दिलाते हैं और सफ़ा नंबर 131 और 32 ये लोग जो हजरत उस्मान के शाकी थे अब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब उस्मान के कत्ल के अजबाब क्या थे तो ये जहन में रहे कि जनाब उस्मान के कत्ल का जो सबसे बड़ा सबब था वो ये था कि हज़रत आयशा फरमाती थी थींनासल फ़कत का नासल नास मदीना का एक यहूदी था और हज़रत आयशा हज़रत स्स्मान को नस्बत देती थी उस यहूदी से और कहती थी कि इस नासल को कत्ल कर दो ये काफ़िर हो गया है लेकिन यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि लोग क्यों उनके मुखालिफ हुए वो लोग जो हज़रतमान के शाकी थे ये हैं जैद बिन साबित, वायद असायदी काब बिन मालिक व हसान बिन सबित जो मशहूर हैं मनकबत के हवाले से ये भी हज़रत ओस्मान के खालिस दुश्मनों में से थे और जहन में रहे कि हजरत हज़रतमान को कत्ल करने वाले ख़ुद अब थे जिनमें से एक बड़ी तादाद बैतलरवान की और बदरी अब की थी और सबब लोगों के दुश्मन हो जाने का ये हाल था कि हजरत ने हकम बिन आस को जिसको को ख़ुदा ने जिलावतन करवा दिया था और दोनों खलीफों के वक्त तक वो निकाला हुआ रहा इसको बुला लिया और एक सबब ये था कि उन्होंने मरवान बिन हकम को पाँचवा हिस्सा महसूल अफ्रीका का जो पाँच लाख दीनार सालाना की आमदनी भी दे दिए थे अब ये जहन में रखें कि अफ्रीका का जो अफ्रीका की आमदनी का पूरा हुम्स ये जो कह रहे हैं कि पांचवा हिस्सा यानी अफ्रीका की आमदनी का पांचवा हिस्सा यानी होम्स के जो अफ्रीका से आता था वो कितना था उस वक्त वो था पांच लाख दीनार पांच लाख दीनार तो उन्होंने फकत अपने एक चचाजाद भाई को दे दिया था कि वो माल कि जो पहले मरहले में कराबत दारान रसूल अल्लाह वसल्लम को देना चाहिए था वो माल पाँच लाख सोने के सिक्के फकत एक वो चीज़ थी कि जो हजरत उस्मान ने मरवान को दी वो क्या था अफ्रीका का खम्स पाँच लाख दीनार और क्या किया अब ये बीच में कुछ गुफ्तगू हुई और एक ये भी था कि बाग फदक जो मीरास बीबी फातमा की था वो मरवान ने छीन लिया तो यहाँ पर भी मालूम हुआ कि जनाब उस्मान के दौर में ये बाग, यानी फ़दक के जिससे हज़रत फ़ातमा को महरूम रखा गया वो मरवान को दे दिया गया अब तारीख़ फदा का जुज़ अब्बल का अरबी का मतन आपके सामने है वाम नक़मा नास है कि जिन चीज़ों की वजह से लोग जनाब उस्मान पर नाराज़ थे उनमें से क्या था कि रद्द किया यानी पलटाया किस को हकम बिनास को अपने चचाजा अपने चचा को अब ये कौन है तरीद रसूल व तरीद अबी बकर व उमर ये हैं कि जिन्हें मतरूद करार दिया यानी तर्द कर दिया निकाल दिया था रसूल सल्ला वसम ने और निकाला हुआ ही रखा अबू बकर ने और उमर ने लेकिन इन्होंने क्या किया अता किया? क्या अता किया मरवान अबन हकम को हम सनाएम अफ्रीका के अफ्रीका की जो आमदनी थी उसका खम्स दिया वो कितना था वह वम्स में अल्फ दीनार के जो पाँच लाख दीनार थे और क्या किया वह अक्त आ इब्न हकम फ़दका का और इब्न हकम को अब यहाँ पर बहुत वाज है कि उन उनके कामों से लोग नाराज़ थे उन्हीं कामों में से उनका क्या काम था अकत आ मरवान इब्न हकम फ़दक कि मरवानबन हकम को उन्होंने फदक दिया वहीया सदात अल्लाह और ये वो सदका था कि जो रसूल अल्लाह का था बाद में वही दास्तान है कि जिससे हज़रत फातमा को महरूम करने का सिलसिला रखा गया लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि अब ये डिसाइड करना होगा कि जनाब अबू बकर ने सही किया या जनाब स्स्मान ने सही किया क्योंकि उन्होंने अगर हज़रत फातिमा को महरूम किया ये कह के कि यह सदक़ा है मुसलमान के लिए लेकिन ये जहन में रहे कि जनाब उस्मान ने इस बाख को अपने फासिक और फाजर और वो शख्स के जो ज़बान रसूल अलैहि वसल्लम पर मलऊन था उसको दे दिया अब यहाँ पर ज़रूरत है कि समझा जाए कि अहले बैत बैतु सलाम के साथ क्या हो रहा था खुद तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को इतहाद और वहदत के साथ रहने की तोफ़ी ख़ता फरमाए ये मौजूद हम पर डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी हो जाते हैं कि हर जगह शोर मचाया जाता है कि हम तोह कर रहे हैं असाब की हम कोई तोहीन नहीं कर रहे वो सब कुछ के जो तारीख़ में हुआ वो बताना ज़रूरी है और बिला शक अहल बैतून सलातम पर जुल्म हुआ और तमाम तवारीख़ गवाह हैं और अब उस जुलम को छुपाने की कोशिश की जाती है जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मयार दे दिया था या अली, ला हब्बों का ला ولا वला का मुनाफ़ उन अली तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि वो मोमिन हो और कोई बोझ नहीं रख सकता जंग तो बहुत बड़ी बात है कोई बोझ नहीं रख सकता मगर ये कि मुनाफिक हो और अहल बैतमलम के लिए वाद फरमाया लेमन सालम साल व हरमन लमन हरबुम मैं सलामती हूँ जो 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 इनके साथ अच्छी तरह से पेश आए और मैं जंग हूँ उन लोगों के लिए कि जो इन से जंग करे और इन से अख्तिलाफ़ करे खुदावन तबारक व ताली से दुआ है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तो उनकी आल से मोहब्बत की तोहफ़ी अदा फ़रमाए वाला महमदुम वाल ताहरीन